मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द फुल वॉल्यूम में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की और जानेंगे आज का दिन इतिहास में क्यों है खास। प्रश्न एक, रेलवे ने भारत के किस स्टेशन पर फन जोन स्थापित किया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी सिकंदराबाद, ऑप्शन डी जयपुर। सही जवाब है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा अवधि की एक रास्ता को काटने और विशेष रूप से बच्चों के लिए इसे एक सुखद अनुभव बनाने के उद्देश्य से रेलवे ने विशाखापट्टनम स्टेशन पर फन जोन स्थापित किया है। गेमिंग जोन में बच्चों के साथ साथ वयस्कों को भी आकर्षित करने के लिए दिलचस्प गेम के विभिन्न सेट मौजूद हैं। वीडियो शूटिंग से लेकर अन्य इंडोर गेम्स तक का मकसद बच्चों को प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार के दौरान व्यस्त रखना है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन के अनुसार फन जोन देश में अपनी तरह का पहला है। प्रश्न दो, गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत किस पोजीशन पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। सही जवाब है ऑप्शन डी 10। सोने के भंडार के मामलों में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में पहुंच गया है। भारत ने नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए 10वां स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का गोल्ड रिजर्व 618.2 टन तक पहुंच गया है, जबकि नीदरलैंड में 612.5 टन सोना है। पाकिस्तान इस लिस्ट में पिछले कई साल से 45वें स्थान पर बना हुआ है। पाकिस्तान का टोटल गोल्ड रिजर्व 64.6 टन का है। प्रश्न तीन, भारत के किस राज्य ने आपदा प्रबंधन में IT एक्सीलेंस अवार्ड हासिल किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की अपनी अभिनव अवधारणा के लिए IT एक्सीलेंस पुरस्कार 2019 जीता है। इस अवार्ड के लिए स्टार यानी सिस्टम फॉर असेसमेंट ट्रैकिंग एंड अलॉटिंग डिजास्टर रिस्क इंफॉर्मेशन डायनेमिक रिस्क नॉलेज पर आधारित एप्लीकेशन को चुना गया है। इस ऐप को अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं और हीट वेव, बिजली गिरना, कृषि जोखिम, बाढ़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात या तूफान, सड़क दुर्घटना और सर्प दंश जैसे खतरों से सतर्कता और चेतावनी की जानकारी देने वाली रियल टाइम वॉच के रूप में डेवलप किया गया है। प्रश्न चार, CBSE बोर्ड ने हाई स्कूल टीचर्स के क्षमता निर्माण कार्यक्रम और टीचिंग में क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी को शामिल करने के लिए किस कंपनी को साथ मिलाया? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी TCS। सही जवाब है ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। 8वीं से 10वीं क्लास के टीचर्स के लिए बनाया गया यह प्रोग्राम 11 सितंबर से देश के शहरों में संचालित होगा। कार्यक्रम के तहत CBSE द्वारा नामित कम से कम 1000 शिक्षकों को 3 दिन का परियोजना आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोग्राम जैसे वन नोट, फ्लिपग्रिड, टीम्स और आउटलुक आदि का व्यवहारिक और प्रायोगिक ज्ञान दिया जाएगा। प्रश्न 5, चंद्रयान 2 के दो हिस्सों में से एक लैंडर विक्रम का वजन कितना है? ऑप्शन ए 1560 किलो, ऑप्शन बी 1128 किलो, ऑप्शन सी 1305 किलो, ऑप्शन डी 1471 किलो। सही जवाब है ऑप्शन डी 1471 किलो। भारत के चंद्रयान 2 मिशन को उस समय झटका लगा जब चंद्रमा की सतह से महज 2 किलोमीटर पहले लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया। इसरो ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि विक्रम लैंडर उतर रहा था और लक्ष्य से 2.1 किलोमीटर पहले तक उसका काम सामान्य था। उसके बाद लैंडर का संपर्क जमीन पर स्थित केंद्र से टूट गया। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। प्रश्न 6, 8 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व साक्षरता दिवस, ऑप्शन बी विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी विश्व सुरक्षा दिवस, ऑप्शन डी विश्व महिला दिवस। सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व भर में विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। प्रश्न 7, CBI ने साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय में आयोजित किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय में CBI ने साइबर अपराध जांच पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है।
इस सम्मेलन का उद्घाटन सीबीआई के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने किया। ऐसे अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द फुल वॉल्यूम से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।